मैं ये कहूँगा हमारे 12 गांव और 12 संग हमारी 24 ही, कोई हमारो भाई रूस रो भी मन जाएगा इंशाल्लाह, और मनगा कोई और भी है तो वो भी मन जाएगा। हमारी 50,000 वोट 24 की हाँ, और 25,500 वोट हमारी 12 गांव की हाँ, ये वोट भाई नसीब का खाता में जाएगी। सारी कहनी सुननी ये सारी बेफायदा की बात है, अगर मम्मन के है कोई और भाई के है, ये सारी नसीब की वोट है। और अब से पहले कोई नाराज हो कोई वैसी बात कह दे, वो सारा दुख दर्द खत्म होगा। हाँ अच्छा, हाँ आगे चल के कोई परेशानी ना रहेगी। मम्मन गलत के है, जो वोट दे दी छिड़क लो तो नहीं दी नहीं जीता हो, आज छिड़क लो तो कह दिया ना दिया है ना, जब भी जीतूंगा ऐसा कुछ ना है। छिड़क लो की पाल बड़ी जज्बाती भी है और बड़ी गंभीर भी है और बड़ी अपनी असवाली भी है। इंशाल्लाह ये सबको छोटो भाई है, काई कोई बुजुर्ग को बेटो भी है, हमारो ये छोटो भाई है, इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरो प्यार रहेगा। तो महू ने समर्थन दे दिया, सारे महू ने गाँव वाला भाई लोग यही है, देखो ये हमारो है, हम दुख सुख में यही हमारे काम आवे, हम यहाँ के काम आओ हमारे, और हम या तो भारियाँ चाहे हमारा करे भी मत, फिर भी हमने फिर भी वो सब काम ने हम भी बजा जाऊँ वो सब वो सब चुट मुटोड़ा वो कहे हमारा है तो तड़ाप सर भी गरब जाऊँ और भी काम सारा हो जाऊँ, और भाई जाने तो गाँव की मदद ही करे जहाँ तक। अब तो भाई गाँव है चलो पार्टी पार्टी को जो चाहे सब भाई हैं और उनने भी मनाओ, बात यह जो भाई विधायक जी आज कौन से गांव में आपने पंचायत की है? कल की बात करें तो आपके पृथक गांव में तिगांव, वहाँ आपने पंचायत की थी और वहाँ माहौल जो चुनावी माहौल देखने को मिला था, आज कौन से गांव में आप पहुँचे हैं? क्या आज हमारे बड़े गांव महू के अंदर हम हैं और महू के सारी बिरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, बच्चों और पूरा टोटल गांव बच्चा बच्चा आज यहाँ पर सारे इकट्ठे होकर के, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करने आया था कि भाई इलेक्शन है, इलेक्शन में सब सहयोग करें मदद करें। मुझे गांव वालों ने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरे गांव का समर्थन साथ रहेगा, और आप देख रहे हैं कि पूरे गांव का बुजुर्ग पूरे गांव के नौजवान और एक एक व्यक्ति हमारे साथ है, और ये हमारा बड़ा गांव है और इंशाल्लाह यहाँ से हम पूरे बारह गाँव को लेकर के फिर पूरे इलाके में एक माहौल जो बन रहा है आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नौजवानों के अंदर जोश है, बुजुर्गों के अंदर जज्बा है, ये इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में लोग हमारे साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। अच्छा, आपने अपने भाषण आपने अपने संबोधन में कहा था एक जो मौजूदा विधायक हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नूह दंगे की चाहे बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को बरगड़ाने का? देखिए आज तक हमारे यहाँ से जो बदकिस्मती से पिछली बार विधायक बन गया था उन्होंने इलाके की भलाई के लिए आज तक कोई बात कहीं नहीं उठाई, ना उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में अपने जवाब दें कि उन्होंने क्या काम करवाए, क्या उन्होंने विधानसभा मुद्दे उठाए। अगर विधानसभा की मैं प्रोसीडिंग निकलवा के आपके सामने रखूं, उन्होंने हमेशा ठेकेदारी के लिए अपना दबाव बनाने के लिए अलग पंचायत डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट पे अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए ताकि उसकी ठेकेदारी कर सके, और बड़े अफसोस की बात है लोगों ने उसको विधायक बनाया था लेकिन उसकी मानसिकता ठेकेदारी करने की, और वो ठेकेदारी उसने 5 साल की है, इसीलिए आज हमारा मेवात इलाका जो है कहीं ना कहीं उस चीज को भुगत रहा है। आने वाले समय में लोग उनको हटा करके नए सिरे से फिर मौका हमें देंगे, और ऊपर वाले ने चाहे तो मेवात में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको और आगे लेकर के जाए। अक्सर आप अपने संबोधन में कहते हैं कि भाजपा को एक हाऊ बना रखा है मेवात में, तो किसने बना रखा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले हैं, बहुत जो इनकी याददाश्त बड़ी छोटी है, अभी आप देख सकते हो गोपालगढ़ में अंदर कितने हमारे मुसलमान भाइयों को मस्जिद में बैठ के अंदर गोली मारी थी कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार में, और सरकारी अमले ने गोलियां चलाई थी,
जब तो इस कांग्रेस के लोगों को दुख नहीं हुआ मुसलमानों के लिए, क्यों नहीं जब उस वक्त जो है आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। चाहे बीजेपी की बात करते हैं ये लोग, अगर बीजेपी इतनी बुरी है तो क्यों बीजेपी को जो है जिला परिषद में ये वोट डलवाता है मम्मन खान।